हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप ही के रिक्वेस्ट पे लेके आ गए हैं एक ब्रांड न्यू कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसमें हम चेक करेंगे कि अभी जिस वक्त आप वीडियो देखेंगे उस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। आइए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं लेकर एंजल्स का नाम। जब तक मैं कैंडल ब्लो करूँ अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइडेंस प्रोवाइड करें। ओह माय गॉड, फिर से कर लेते हैं। इसका मतलब क्लियर है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो आपसे अभी भी छुपा हुआ है और आप उससे अनजान हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके पार्टनर ने आपको बताई नहीं। आइए हम कोशिश करते हैं उन बातों को जानने की। तो पहले मैं बता दूं आपके बारे में कि कल का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी रहे हैं किसी काम को लेकर, किसी काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं सुबह से लेकर रात तक। इनफैक्ट आपकी तबीयत भी हो सकता है कुछ ठीक ना लग रही हो, क्योंकि आप इतना ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं। किसी भी चीज़ का हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है, पर्सनल प्रोफेशनल कोई भी काम। कल मैं देख रही हूँ, हो सकता है आपने, बहुत लोगों ने अपने पार्टनर को ना मैसेज या कॉल करने की सोची हो कल ही, और हो सकता है कि आपने उनको कोई कॉल या मैसेज किया भी हो, अपनी तरफ से कोई कोशिश की भी हो। देखिए यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने कॉल या मैसेज किया है, जिनका कॉल जो है पिक भी हुआ है और बातें भी हुई हैं। और दूसरे टाइप के लोग हैं जो बार बार सोचते हैं कॉल करूँ कि ना करूँ, और उन्होंने कॉल कर दी बट उनका कॉल जो है आंसर नहीं हुआ। और तीसरे टाइप के लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं यहाँ पे, जिनके मन में कल बहुत ज़्यादा बहुत डिस्ट्रैक्शन थी, काम कर रहे थे लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरे पर्सन मुझे मिस कर रहे हैं। आप वो सारी बातें सोच रहे थे कि काश ऐसा होता कि अब हम दोनों साथ में होते, हमारी शादी हो गई होती, कैसे वो हमसे मिले, क्या क्या हमने किया साथ में, क्या क्या और कर सकते थे। ये सारी मेमोरीज़ आपको बहुत ज़्यादा खींच रही थी उनकी तरफ, बहुत ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा था और आप अपने आप को बार बार इस तरफ खींच के बिज़ी रखने की कल कोशिश कर रहे थे। मीनवाइल आपके दिमाग में ये बातें बहुत ज़्यादा आ रही थी कि मुझे उनको कॉल या मैसेज करना है क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ये एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की। एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना कल या फिर हाल फिलहाल में रिसेंटली बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड से रह रहे हैं, अकेले से रह रहे हैं, बहुत अकेले से रह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनकी फैमिली की तरफ से कोई उनको प्रेशर हो, कोई हो सकता है मनी से रिलेटेड, या फिर कोई ऐसा हो सकता है कि उनको ना बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें परेशान कर रही है। क्या चीज़ें हैं वो? एक तो आपको लेके बहुत ज़्यादा ये ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। एक तरफ से ये सोचते हैं कि मुझे उनसे शादी करनी है और उनको अपना बनाना है, अपनी वाइफ या हस्बैंड बनाना है। दूसरी तरफ से जब एक्शंस की बारी आती है, जब एक्शन लेने की बारी आती है, तो ये पर्सन ना डर जाते हैं, इनके मन में घबराहट होने लगती है, इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी सी हो जाती है और समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। इनके मन में बहुत सारे डाउट्स आने लगते हैं खुद को लेके, इनको बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस फील होता है, उनको ऐसा लगता है कि अब मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ या स्टैंड करती हूँ, अपने पार्टनर को कैसे मैसेज करूँ, क्योंकि इतना समय बीतने के बाद वो भी सोचेंगे कि तुम अचानक से कहाँ आ गए, एकदम से जब तुम्हें आना था तब तो तुम आए नहीं। तो आपके पर्सन के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, क्योंकि आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हैं। तो आपके पर्सन को ना ऐसा हाल फिलहाल में बहुत बार फील हुआ है कि आप ना अपने लेवल से ऊपर उठ चुके हैं, मतलब कि आप में बहुत सारी ऐसी चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से आपने जो अपने स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई कर लिए हैं, मतलब कि आप ये सोचते हैं कि आई डिज़र्व मोर, जो मैं डिज़र्व करूँ वही मुझे मिलना चाहिए, आई वॉन्ट सेटल फॉर लेस। आप किसी छोटी चीज़ या फिर कम चीज़ के लिए सेटल नहीं होंगे, ये चीज़ आपके अंदर सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा आ गया है मैं देख रही हूँ। आप जिस चीज़ पे भी काम कर रहे हैं ना हाल फिलहाल में, जिस चीज़ पे भी ध्यान दे रहे हैं अपनी लाइफ में, उस पे ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं और फाइनली अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जिस चीज़ पे भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें या फोकस करें, उसका फल आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, सक्सेस। आने वाले कुछ टाइम में अगर मैं बोलूँ तो विद इन द फ्रेम ऑफ एक दो हफ्ते या एक महीने के अंदर उस चीज़ का फैसला आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, और देखिएगा फैसला जो होगा आपके फेवर में ही होगा।
जो भी होगा कुछ बहुत अच्छा होगा, आपके लिए होगा, आपके बेनिफिट के लिए होगा। आपके पर्सन के अंदर रिग्रेट वाली एनर्जीज अभी भरी हुई है, मैं उनकी एनर्जीज़ को ग्रेस कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत जगह सीजनल चेंज आ रहा है, मॉनसून आ गया है, तो इस वजह से आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा एक तरीके से आपको याद भी करते हैं, लेकिन एक तरीके से बहुत अकेला भी फील करते हैं। हो सकता है कि आप दोनों को या आप में से किसी एक को बारिश बहुत पसंद हो, आप बारिश के बारे में डिस्कस करते हो, या फिर बारिश के मौसम में आप कॉल पे बात कर रहे हो, आपकी जो मेमोरी हो सकती है उनको ये सारी चीज़ें याद आ रही है। हो सकता है आपने बारिश में कहीं ट्रैवल किया हो, समथिंग रिलेटेड टू द वेदर मुझे याद आ रहा है, इसी वेदर में वेदर इतना रोमांटिक है और वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनका हाल बहुत ज़्यादा बुरा है। उनके दोस्त भी पूछने लगे हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने मायूस से क्यों रहते हो, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है तो तुम बताओ। बट दोस्तों के सामने वो ऐसे बिहेव करते हैं कि सब कुछ ठीक है, उनको किसी की कोई याद नहीं आ रही, बस ऐसे ही फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है। एक बात बताना चाहूँगी आपको, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते के बारे में ना आपकी फैमिलीज़ को भी पता चल गया था, तो फैमिली भी ना कभी कभी प्रेशर तो डालती है उन पे कि आप दोनों एक ना हो पाए, लेकिन फैमिली भी ना कभी कभी उनको नोटिस कर लेती है, कैसे वो कभी ख्यालों में खोए रहते हैं, आपको याद करते हैं, मायूस से रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। एक तरीके से उनकी फैमिली को भी आइडिया दे कि अपने बच्चे की बात कौन नहीं जान पाएगा, उनकी फैमिली को भी आइडिया है कि हाँ यार वो आपको चाहते हैं, ये चीज़ वो जानते हैं, लेकिन ड्यू टू एवरीथिंग, सोसाइटी का प्रेशर या फिर कुछ भी समाज में इज्जत के कारण, क्योंकि बहुत ना धार्मिक लोग हैं, मैं देख रही हूँ बहुत धार्मिक लोग हैं, तो इनके लिए इनकी इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारी है, ऐसा ये सोचते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना मजबूरी में भी नहीं आते। बहुत लोग पूछते होंगे कौन कब एक्शन लेंगे, कब एक्शन लेंगे, लेकिन ये भी मजबूरी हो सकती है, खुद की लाचारी के कारण वो नहीं आ पाते, क्योंकि फैमिली का सोचते हैं कि अगर उनको पता चल गया दोबारा से ये भूचाल ला देंगे उनकी लाइफ में। आपके पार्टनर की हम करंट एनर्जीज हम देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी शाम को ठीक 7 बजे हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन, ये उनकी करंट फीलिंग्स को हम देख रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन ज़रूर देखेंगे, और आप ही की रिक्वेस्ट पे हम फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग ही करेंगे शाम को, जहाँ पे हम उनके नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। देखिएगा ज़रूर, इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, और देखते हैं सबसे पहले अटेंडेंस लगाने कौन कौन आता है, क्योंकि वो होने वाला है इसका सेकेंड पार्ट। तो मीनवाइल मुझे ये पता चला कि उनकी लाइफ में हो सकता है उनके कोई ब्रदर हैं या फिर फैमिली में से कोई है जिसके बारे में ये डिस्कस आपसे कर चुके हैं, और उन्हीं से आपके बारे में भी डिस्कशन अभी चल रही है। ये सिर्फ उन्हीं को अपनी फीलिंग्स बताते हैं, जैसा कि आपको पता होगा हो सकता है कोई बड़े भाई हों या फिर कोई भी कोई मेल है जिसको ये बता रहे हैं सारी बातें अपनी, उनसे शेयर कर रहे हैं, और वो मेल मुझे हार्मफुल नहीं लग रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कुछ गलत कर देंगे, या फिर ऐसा भी नहीं लग रहा है कि वो उनको कुछ भड़काते हैं, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते के ना फेवर में थे वो, आप बखूबी जानते होंगे। प्लीज़ रेजोनेट कर रही है तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं देख रही हूँ इनसे बातें तो चल रही है, क्या बातें चल रही हैं बताइए एंजल्स, क्या बातें चल रही हैं आपके बारे में, आपको लेकर पास्ट में हुई कुछ बातें चल रही है। थैंक यू सो मच। इसके आगे जो रीडिंग है हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में, जो आएगी शाम को। तो थैंक यू सो मच माय लवलीज, अभी जाना नहीं है, क्योंकि हम ना आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, ठीक है, जो वो आपको बोल नहीं पाते। आइए उसके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस। थैंक यू सो मच। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट, उनके अंदर से कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। कभी कभी आप ही उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते थे और बोलते थे कि तुम गुड लुकिंग हो नो मैटर वॉट, तो वो चीज़ वो याद कर रहे हैं, क्योंकि आपके बिना वो बहुत अधूरा सा फील करते हैं। यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन, जब भी वो डाउन फील करें, सैड फील करें, आप हमेशा अपनी बातों से उनका कॉन्फिडेंस, उनका सेल्फ एस्टीम बूस्ट करते थे, और आपके एब्सेंस में वो आपकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं।
योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई सोल. आपकी आवाज़ आज भी सुनने का मन है, आपसे बात करने का मन है. टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर. आपको टच करना, आपका हाथ पकड़ना, आपके साथ वो क्लोज मोमेंट्स बिताना, वो सारी चीज़ें वो याद कर रहे हैं जिससे आप काम से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनके बारे में सोच के, वो भी आजकल मुझे बहुत ज़्यादा खोए खोए से लग रहे हैं. योर पेशेंस इज़ अनरियल. आपका धैर्य, आपका ठहराव, चीज़ों पे ज़्यादा रिएक्ट ना करना, सोच समझ के काम लेना या फिर फैसला लेना, ये चीज़ आपकी क्वालिटीज़ वो आज भी उसकी दाद देते हैं. आई फील कम्फर्टेबल इन योर आर्म्स. तुम्हारी बाहों में मुझे बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल फील होता है. जब मैं तुम्हें हग करता हूँ या तुम मुझे हग करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे सेफेस्ट प्लेस में हूँ. नो मैटर हाउ अदर्स सी मी, यू ऑलवेज मेक्स मी स्पेशल. मतलब कि दूसरे मुझे कैसे देखते हैं पता नहीं, दूसरे मेरे बारे में कुछ भी बोलते हो, इतना सब कुछ करने के बाद भी आपने हमेशा उनको स्पेशल फील कराया, इस चीज़ की उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है. एनीवेज, ये थी आज की रीडिंग. आज शाम को इसका पार्ट 2 आएगा, देखिएगा ज़रूर. तब तक बोलूँगी, टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.